पटना से दिल्ली पहुंचे, पहले आगे पीछे की सीट पर बैठे थे दोनों और एक ही विमान से दोनों दिल्ली पहुंचे हैं यहां पर बैठक में शामिल होने के लिए। तेजस्वी यादव जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने और नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए की बैठक में शामिल होने, लेकिन दोनों एक साथ रवाना हुए एक ही विमान से और आगे पीछे की सीट पर ये दोनों बैठे हुए थे। ये देखिए तस्वीर, पहले तो ये आगे बैठे हुए थे नीतीश कुमार, पीछे बैठे थे तेजस्वी यादव, दोनों मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी उन्होंने खिंचाए, उसके बाद ये दोनों एक साथ आ गए और इसी को लेकर लगातार कयास और अटकलें चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर उनका मन बदल रहा है, वो फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाले। हालांकि एनडीए की तरफ से और जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज शाम दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत और अरविंद सावंत इसमें हिस्सा लेंगे, उद्धव ठाकरे फिलहाल दिल्ली नहीं आ रहे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में आज बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक शाम 6 बजे होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही नीतीश को अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसका दिलचस्प नजारा देखने को मिला पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में। दोनों नेता एक ही फ्लाइट में सवार हुए, आगे पीछे की सीट पर दोनों नेता बैठे हुए थे। अब चाचा और भतीजा साथ हो तो कुछ तो बात हुई ही होगी। तो हमारे चाचा हैं। वेलकम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी को जबरदस्त सबक मिला। कर्नाटक में जब बजरंगबली का नाम का दुरुपयोग किया था तो एक गदा मारी थी मोदी जी, कर्नाटक साफ हो गई थी। और जब आपने भगवान राम का दुरुपयोग किया तो उन्होंने ऐसा मारा कि पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाया। और शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है, ब्रांड मोदी अब खत्म हो चुका है, ये कहा संजय राउत ने। साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार नहीं बन रही है, नीतीश नायडू तानाशाहों के साथ कभी नहीं रहेंगे, उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की सीटें क्या घटी, विपक्षी दल पूरी तरह से जोश में आ गए, बयानों के जरिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो भी सीटें एनडीए को मिली हैं वो सीबीआई ईडी की ताकत हैं। संजय राउत ने ये भी कहा कि तानाशाही का दौर अब खत्म हो चुका है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है। कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी, मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। वहीं जेडीयू ने कहा है कि वो पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है।